हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्ज़ाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखिए स्टूडेंट्स, जो आज का टॉपिक है जिसका नाम है हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, वो लिखने वाला कम है, समझने वाला ज़्यादा है, काफ़ी कंसेप्चुअल टॉपिक है, तो आपको बड़े ध्यान से इस टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड करना होगा। देखिए स्टूडेंट्स, जो क्वांटम मैकेनिक्स से पहले हम पढ़ते हैं वो होती है क्लासिकल मैकेनिक्स, और क्लासिकल मैकेनिक्स जो होती है वो डिटर्मिनिस्टिक होती है। डिटर्मिनिस्टिक का मतलब होता है श्योर। क्लासिकल मैकेनिक्स में अगर आपको सिस्टम के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी और बहुत ही एक्यूरेसी के साथ मिलेगी। इस चीज़ को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट्स, आपके पास एक क्लासिकल पार्टिकल है और वो एक्स एक्सिस के अलोंग वन डायमेंशनल मोशन जो है वो एग्जीक्यूट कर रहा है। जो क्लासिकल पार्टिकल है, जब टाइम टी इक्वल टू जीरो था तो उसकी जो पोजीशन थी वो थी एक्स इक्वल टू जीरो, और जैसे जैसे टाइम स्पेंड होगा वैसे वैसे वो इस डायरेक्शन के अलोंग मोशन जो है वो एग्जीक्यूट करेगा। हम मान लेते हैं स्टूडेंट्स, पार्टिकल का मास है 4 kg। इनिशियल वेलोसिटी हम मान लेते हैं कि पार्टिकल जो है वो रेस्ट में था, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो होगी 0 m/s। इसका एक्सेलरेशन हम मान लेते हैं 6 m/s². तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पार्टिकल जो है वो 10 सेकेंड के बाद कहाँ पर होगा, वट विल बी द पोजिशन ऑफ पार्टिकल आफ्टर 10 सेकेंड, तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप जूनियर फिजिक्स की आप एक इक्वेशन अप्लाई करेंगे जो कि होती है x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। यहाँ पर ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, u 0 है तो ये टर्म 0 हो जाएगी, हाफ 6 × 10² 300 m आ जाएगा सॉल्व करके। तो आप कहेंगे स्टूडेंट्स कि सर, जो पार्टिकल होगा हमारा क्लासिकल पार्टिकल वो 10 सेकेंड के बाद 300 m पर होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड, तो आप क्या करेंगे, आप अप्लाई करेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी और ये फॉर्मूला लगाकर आप इसकी वेलोसिटी बता देंगे आफ्टर 10 सेकेंड। इसी तरह से आप इस पार्टिकल का मोमेंटम बता सकते हैं जो कि होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करके मोमेंटम मिल जाएगा। कनेटिक एनर्जी आप बता सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर लगाकर। तो कहने का मतलब ये है कि क्लासिकल पार्टिकल के बारे में आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप अच्छे से ऑब्टेन कर सकते हैं और पूरी एक्यूरेसी के साथ, पूरी श्योरिटी के साथ ऑब्टेन कर सकते हैं। बट एक कंडीशन ये होती है कि आपको कुछ इनिशियल कंडीशन जो हैं वो प्रोवाइड की जाएं। जैसे इस क्लासिकल पार्टिकल के लिए आपको बताया गया था कि इसका मास इतना है, इनिशियल वेलोसिटी इतनी है, एक्सेलरेशन इतना है। तो अगर आपको इनिशियल कंडीशन पता हो तो आप सिस्टम के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो एक्यूरेसी के साथ, प्रिसीशन के साथ बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स में जो पार्टिकल होता है, जो सिस्टम होता है, वो लोकलाइज्ड होता है। लोकलाइज्ड का क्या मतलब होता है, मान लीजिए स्टूडेंट्स, अगर मैं आपकी ऑफलाइन क्लास ले रहा होता और आप सब मेरे सामने बहुत सारे बेंचेस पर बैठे होते, तो मैं एक एक स्टूडेंट की जो पोजीशन जो है वो फिक्स कर सकता था। मुझे पता था कि आप कौन से स्टूडेंट जो है वो किस पोजीशन पर बैठा है। यही केस जो है पार्टिकल के साथ क्लासिकल मैकेनिक्स में होता है। पार्टिकल की पोजीशन जो है क्लासिकल मैकेनिक्स में बहुत ही आसानी से फिक्स की जा सकती है, अगर आपको कुछ इनिशियल कंडीशन जो हैं वो गिवन हो। बट क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसा नहीं होता। क्वांटम मैकेनिक्स में जो पार्टिकल होता है वो लोकलाइज्ड नहीं होता। आप सब जानते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स में जो पार्टिकल होता है वो एक वेव पैकेट के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है, और वो वेव पैकेट जो है एक वेलोसिटी के साथ मूव करता है जिसको हम बोलते हैं ग्रुप वेलोसिटी। बट स्टूडेंट्स,
वेव के साथ एक समस्या होती है, वेव के साथ एक प्रॉब्लम जुड़ी होती है, और वो प्रॉब्लम क्या है उसको भी हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, वेव के साथ एक इनहेरेंट प्रॉब्लम जुड़ी होती है, वो प्रॉब्लम क्या है उसे हम कैसे समझ सकते हैं उसके लिए हम एक एग्जांपल कंसिडर करेंगे। मान लीजिए स्टूडेंट्स, आपके पास एक बहुत लंबी जो है एक फ्लेक्सिबल रस्सी है, और उस रस्सी को आप जोर से एक झटका देते हैं, एक जर्क देते हैं, तो उसमें क्या होगा, रस्सी में जो है वो वेव्स प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाएंगी। तो ऐसी ही एक वेव हम कंसिडर कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये हमारी जो है वो रस्सी है, और उसमें हमारे पास ये वेव जो है वो प्रोड्यूस हुई है आफ्टर गिविंग इट अ जर्क। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वेव कहाँ पर है, तो आप कहेंगे कि सर जो वेव है वो पी और क्यू के बीच में है। आप यहाँ पर ये नहीं कह सकते इस क्लासिकल पार्टिकल की तरह कि वेव जो है वो 300 मीटर पर है। यहाँ पर आपको एक रेंज डिफाइन करनी होगी। आप कहेंगे कि सर जो वेव है वो x इक्वल टू 10 मीटर से x इक्वल टू 20 मीटर के बीच में है। आप ये नहीं कह सकते कि वेव जो है x इक्वल टू 11 मीटर पर है, x इक्वल टू 12 मीटर पर है, या फिर x इक्वल टू 19 मीटर पर है। कहने का मतलब ये है कि आप वेव को लोकलाइज्ड नहीं कर सकते, वेव जो है वो लोकलाइज्ड नहीं होती है। यहाँ पर काफ़ी बड़ी वेव बन रही है, तो आप इस वेव की वेवलेंथ को अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। लैम्डा तो अच्छे से डिफाइन हो जाएगा यहाँ पर, बट यहाँ पर जो पोजीशन है वो अच्छे से डिफाइन नहीं हो पाएगी। मींस इस केस में जो अनसर्टेनिटी होगी पोजीशन में वो ज़्यादा होगी, और जो अनसर्टेनिटी होगी वेवलेंथ में वो कम होगी, क्योंकि वेवलेंथ जो है वो वेल डिफाइंड है, पोजीशन जो है वो इल डिफाइंड है। एक और एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं। इस केस में हम एक छोटी वेव जो है वो कंसिडर करते हैं। मान लीजिए वो एक वेव जो है वो बनी है x इक्वल टू 10 मीटर से x इक्वल टू 10.5 मीटर के बीच में। इस केस में आपने पोजीशन ऑफ वेव को नैरो कर दिया है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ वेव को कम कर दिया है। अब आपको वेव जो है वो 10 से 10.5 मीटर के बीच में मिल जाएगी। बट इस केस में क्योंकि वेव छोटी बनी है, इस केस में आप वेवलेंथ को अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाएंगे। जो वेवलेंथ होगी इस केस में वो पुअरली डिफाइंड होगी, या आप कह सकते हैं इल डिफाइंड होगी, जबकि पोजीशन जो है इस केस में वो वेल डिफाइंड हो जाएगी, क्योंकि वेव जो है काफ़ी छोटी बनी है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। अगर आप वेवलेंथ को अच्छे से डिफाइन कर पा रहे हैं तो पोजीशन में गड़बड़ आ रहा है, पोजीशन को आप अच्छे से डिफाइन नहीं कर पा रहे, और अगर आप वेवलेंथ को पुअरली डिफाइंड हो रही है यहाँ पर, तो इस केस में आपकी पोजीशन जो है उसको आप अच्छे से डिफाइन कर पा रहे हैं, तो मीन्स यहाँ पर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। सेम केस आपको क्वांटम मैकेनिक्स में देखने को मिलता है। क्वांटम पार्टिकल जो है वो एक वेव पैकेट से, कुछ इस प्रकार के वेव पैकेट से दिखाया जाता है, इस प्रकार के वेव पैकेट से डिफाइन किया जाता है, जो कि ग्रुप वेलोसिटी से आगे मीडियम में प्रोपोगेट करता है। देखिए स्टूडेंट्स, क्वांटम मैकेनिक्स में आप बिल्कुल भी श्योर नहीं हो सकते। क्वांटम मैकेनिक्स में हम प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में बात करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स का प्रोबेबिलिस्टिक नेचर ठीक वैसा ही है जैसे कि समोसे में आलू का होना। जिस प्रकार से आप समोसे में से आलू अलग नहीं कर सकते, ठीक उसी प्रकार से आप क्वांटम मैकेनिक्स में से प्रोबेबिलिस्टिक नेचर को नहीं हटा सकते। क्वांटम मैकेनिक्स का प्रोबेबिलिस्टिक नेचर होना क्वांटम मैकेनिक्स के हार्ट में है। आप जितना मर्जी चाहे अच्छे से अच्छा इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन कर लें, जितना अच्छे से अच्छा सोफिस्टिकेटेड एक्सपेरिमेंटल सेटअप तैयार कर लें, बट आप क्वांटम पार्टिकल की पोजीशन को एग्जैक्टली लोकेट नहीं कर सकते। आप सिर्फ इतना कह सकते हैं कि सर इतने परसेंट चांस है कि पार्टिकल जो है वो इस पोजीशन पर होगा। इसके पीछे भी एक रीज़न है, और वो रीज़न जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और इसको भी हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे जो कि आपकी डेली लाइफ से जुड़ा होगा। तो स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि दिवाली का दिन था और आपके शहर में पटाखे बेचना और फोड़ना वो बैन था।
तो क्या होता है स्टूडेंट्स, एक आदमी जो है वो पटाखों को गैर कानूनी रूप से बेच रहा होता है। तो जब एक पुलिस वाला वहाँ पर आता है, उसे आता हुआ दिखाई देता है उस आदमी को, तो वो आदमी क्या करते हैं, पटाखों को चादर से ढक देता है। तो पुलिस वाला वहाँ पर आता है उस आदमी के पास, उसे चादर पर डंडा मारते हुए कहता है कि बता भाई क्या है इसमें, क्योंकि पुलिस वालों को डंडे से पता चल जाता है कि उसने क्या छुपा रखा है। पुलिस वाले को पता था कि इसके नीचे पटाखे हैं। तो आदमी कहता है कि सर एक डंडा और मार दीजिए, काम ही ख़त्म हो जाएगा, सारे पटाखे तो आपने डिस्टर्ब भी कर दिए। इसी चीज़ में क्वांटम मैकेनिक्स का एसेंस छुपा हुआ है, इसी चीज़ में क्वांटम मैकेनिक्स का पूरा निचोड़ जो है वो छिपा हुआ है। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग मुझे वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं और आप देख पा रहे हैं कि मैंने कौन से कलर की शर्ट पहन रखी है। अब इस वीडियो को चाहे एक स्टूडेंट देखे, चाहे दो स्टूडेंट देखे, चाहे कोई भी ना देखें, मेरी शर्ट के कलर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, बिकॉज आई एम अ क्लासिकल पार्टिकल। बट क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है, जो हम एक्सपेरिमेंटल सेटअप यूज़ करते हैं, जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं टू फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, वो उस पार्टिकल को डिस्टर्ब कर देता है। आज तक ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बना, ऐसा कोई एक्सपेरिमेंटल सेटअप नहीं बना जो क्वांटम पार्टिकल को डिस्टर्ब ना करें। मैं क्लासिकल पार्टिकल हूँ, इसलिए आप बता पा सकते हैं कि मैं लाइन के इस तरफ खड़ा हूँ। अगर मैं इधर जाता हूँ तो आप बता पाएंगे कि सर आप लाइन के इस तरफ खड़े हैं। मान लीजिए मैं क्वांटम पार्टिकल होता तो क्या होता, तो मैं आपको यहाँ भी नज़र आता, ऊपर भी नज़र आता, साइड में भी नज़र आता, राइट में भी नज़र आता, लेफ्ट में भी नज़र आता, हर जगह आपको नज़र आता। यही दिक्कत है स्टूडेंट्स क्वांटम मैकेनिक्स में, कि आप यहाँ पर बिल्कुल भी श्योर नहीं हो सकते। आप जो भी एक्सपेरिमेंटल सेटअप यूज़ करेंगे, जो भी आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे, वो क्वांटम पार्टिकल को डिस्टर्ब करेगा ही करेगा। इसलिए हम क्वांटम मैकेनिक्स में प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में बात करते हैं। आप ये कह सकते हैं कि इतने परसेंट चांस है कि पार्टिकल यहाँ पर होगा, इतने परसेंट चांस है कि पार्टिकल यहाँ पर होगा, इतने परसेंट चांस है कि यह पार्टिकल यहाँ पर होगा। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पार्टिकल को फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमें कौन देता है, वो हमें देता है मॉड ऑफ साई स्क्वायर, जहाँ पर साई जो है वो वेव फंक्शन है। मान लीजिए हमारा साई स्क्वायर का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से प्लॉट होता हुआ हमें मिलता है। तो इस पॉइंट पर जो पार्टिकल को फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो मैक्सिमम होगी, क्योंकि इस पॉइंट पर मॉड ऑफ साई स्क्वायर का मैग्नीट्यूड जो है वो ज़्यादा होगा। बट क्या आप श्योर हो सकते हैं कि पार्टिकल यहीं पर होगा? नहीं स्टूडेंट्स, आप श्योर नहीं हो सकते, आप गारंटी से नहीं कह सकते कि पार्टिकल यहाँ पर होगा। पार्टिकल के मिलने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर ज़्यादा है नो डाउट, पर आप श्योर नहीं हो सकते कि पार्टिकल यहाँ पर होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर पार्टिकल के मिलने की प्रोबेबिलिटी कम है, यहाँ पर पार्टिकल के मिलने की प्रोबेबिलिटी और कम है, और यहाँ पर पार्टिकल के मिलने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। इसको भी हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं स्टूडेंट्स। मान लीजिए आप मुझे मेरे कॉलेज में आकर मुझसे मिलना चाहते हैं, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहाँ पर होगी मुझे आप मिलने की, वो कहाँ पर होगी? क्योंकि मैं फिजिक्स का आपको फिजिक्स पढ़ाता हूँ, तो मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको फिजिक्स डिपार्टमेंट में ही मिलूँगा। बट क्या इस बात की गारंटी है कि मैं आपको फिजिक्स डिपार्टमेंट में ही मिलूँगा? क्या पता प्रिंसिपल सर ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया हो, क्या पता मैं कैंटीन में बैठकर समोसा खा रहा हूँ, क्या पता मैं फ्री टाइम में लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ रहा हूँ। तो हर जगह मेरे मिलने की प्रोबेबिलिटी जो है वो आपको देखने को मिलेगी। कैंटीन में मेरे मिलने की प्रोबेबिलिटी कम होगी, लाइब्रेरी में कम होगी, ऑफिस में कम होगी, फिजिक्स डिपार्टमेंट में ज़्यादा होगी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको कैंटीन में नहीं मिल सकता, प्रिंसिपल ऑफिस में नहीं मिल सकता, या इस बात की श्योरिटी नहीं है कि क्या मैं आपको फिजिक्स डिपार्टमेंट में ही मिलूँगा। तो स्टूडेंट्स मान लीजिए हमारे पास एक बड़ा वेव पैकेट है, तो इस केस में जो पार्टिकल की जो पोजीशन में अनसर्टेनिटी होगी वो ज़्यादा होगी। तो इस केस में जो पोजीशन होगी पार्टिकल की वो पुअरली डिफाइंड होगी, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा वेव पैकेट है। तो इस केस में जो आप वेवलेंथ है वो आप अच्छे से डिटरमाइन कर सकते हैं, तो वेवलेंथ जो है इस केस में वो वेल डिफाइंड होगी, क्योंकि वेवलेंथ जो है
वो मोमेंटम से डायरेक्टली रिलेटेड होती है अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। तो अगर लैम्डा वेल डिफाइंड है तो इस केस में जो लीनियर मोमेंटम होगा वो भी वेल डिफाइंड होगा। तो बड़ा वेव पैकेट होगा तो पोजीशन जो है वो पोली डिफाइंड होगी, मोमेंटम जो है वो वेल डिफाइंड हो जाएगा। अगर हमारे पास छोटा वेव पैकेट हुआ तो उस केस में पोजीशन जो है वो वेल डिफाइंड हो जाएगी और मोमेंटम जो है वो इल डिफाइंड हो जाएगा। तो आप किसी भी क्वांटम पार्टिकल की पोजीशन एंड मोमेंटम को एक साथ एक्यूरेसी के साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स यही आपके पास हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो स्टूडेंट्स ये तो आपको समझाने के लिए था सब कुछ, इसमें से आपको एग्जाम में कुछ नहीं लिख के आना। एग्जाम में आपको क्या लिख के आना है ये आपको बताया जाएगा आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स आप हेडिंग बनाएंगे हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इन क्लासिकल मैकेनिक्स वन कैन फाइंड पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इजिली इफ यू आर प्रोवाइडेड सम इनिशियल कंडीशंस। क्लासिकल मैकेनिक्स में आप किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की पोजीशन और मोमेंटम को बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, बशर्ते आपको कुछ इनिशियल कंडीशन जो है वो प्रोवाइड की जाएं। जैसे हमने क्लासिकल पार्टिकल लिया था, उसका मास हमें पता था, इनिशियल वेलोसिटी हमें पता थी, एक्सेलरेशन हमें पता था, टाइम टी इक्वल टू जीरो पर वो कहाँ पर है ये भी पता था। तो आप बता सकते हैं कि आने वाले टाइम में आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम उसकी पोजिशन क्या होगी, उसका मोमेंटम क्या होगा। इन क्वांटम मैकेनिक्स द पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ वेव पैकेट। क्वांटम मैकेनिक्स में हम पार्टिकल को वेव पैकेट की टर्म्स में दिखाते हैं। द पार्टिकल इज लाइकली टू फाउंड एनीवेयर विद इन द वेव पैकेट मूविंग विद ग्रुप वेलोसिटी। पार्टिकल जो है उस वेव पैकेट में कहीं पर भी हो सकता है। हेंस इट इज इम्पॉसिबल टू नो वेयर द पार्टिकल एग्जैक्टली इज एंड वट एग्जैक्टली इज इट्स मोमेंटम एट एनी इंस्टेंट। अगर पार्टिकल वेव पैकेट में कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है, आप श्योर नहीं है उसकी पोजिशन के बारे में, तो आप ये नहीं बता सकते कि पार्टिकल जो है वो एग्जैक्टली कहाँ पर होगा, उसका मोमेंटम क्या होगा एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर। तो स्टूडेंट्स इतना लिखने के बाद आप इस टॉपिक में और क्या ऐड करके आएंगे वो हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर एक्यूरेटली एंड साइमल्टेनियसली बोथ द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल अलॉन्ग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन से एक्स एक्सिस एंड मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इन द सेम डायरेक्शन पी एक्स। देखिए स्टूडेंट्स हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमें हेजनबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। उन्होंने हमें ये कहा था कि हम एक साथ मूविंग पार्टिकल का पोजिशन और उसी डायरेक्शन में उसका मोमेंटम, अगर पार्टिकल जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो मोमेंटम होगा उसको हम पी एक्स से डिनोट करेंगे। तो पोजीशन एंड मोमेंटम को साइमल्टेनियसली एक साथ पूरी एक्यूरेसी के साथ डिटरमाइन करना असंभव है, इम्पॉसिबल है। यही हमें कहता है हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इफ़ डेल्टा एक्स इज अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ पोजिशन अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन। हम मान लेते हैं कि पोजिशन की मेजरमेंट में जो अनसर्टेनिटी है वो है डेल्टा एक्स एक्स डायरेक्शन में, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो अनसर्टेनिटी है इन द मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम इन द सेम डायरेक्शन में वो है डेल्टा पी एक्स। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो एक डेफिनेट ऑर्डर का होगा, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो होगा एच कट के बराबर, जहां पर आप जानते हैं एच कट क्या होता है, वो होता है एच अपॉन टू पाई, और एच होता है प्लैंक्स कॉन्स्टेंट। देन द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू अनसर्टेनिटीज इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ एच कट, मीन्स अनसर्टेनिटी इन पोजिशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम का जो प्रोडक्ट होगा वो एच कट के बराबर होगा, और एच कट होता है हमारे पास एच अपॉन टू पाई। इसे हम दे देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। सेम यही कंडीशन जो है वो y डायरेक्शन एंड z डायरेक्शन के लिए भी लागू होगी। तो आप लिख सकते हैं सिमिलरली डेल्टा y और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मोमेंटम होगा वो होगा पी वाई, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो भी एच कट ऑर्डर का होगा। सिमिलरली जो अनसर्टेनिटी होगी इन z डायरेक्शन इन द मेजरमेंट ऑफ पोजिशन एंड कॉरस्पॉन्डिंग मोमेंटम में जो अनसर्टेनिटी होगी वो भी एच कट के बराबर होगी। इन दोनों को मिला के हम इक्वेशन नंबर टू दे देते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, थोड़ा सा काम और बचा है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर।
तो स्टूडेंट्स, लास्ट सेक्शन में हमने इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 देख ली थी, जिसमें हमें ये पता चल रहा था कि जो प्रोडक्ट होगा अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम का, वो एच कट के बराबर होगा, चाहे वो एक्स डायरेक्शन हो, चाहे वो वाई डायरेक्शन हो, चाहे जेड डायरेक्शन हो, सभी के लिए रिलेशन जो है वो यूनिवर्सल रहेगा। और फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को हम बोलते हैं पोजिशन मोमेंटम अनसर्टेनिटी रिलेशन। द रिलेशन गिवन बाई इक्वेशन 1 and 2 आर नोन एज पोजिशन मोमेंटम अनसर्टेनिटी रिलेशन। तो स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि क्या हैजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सिर्फ पोजिशन एंड मोमेंटम के लिए वैलिड है? तो स्टूडेंट्स, आंसर है नो। ये प्रिंसिपल और ये रिलेशन उन सभी क्वांटिटीज़ के लिए वैलिड है जिनका प्रोडक्ट जो है उनकी जो डायमेंशंस होंगी वो इसकी होंगी m1 l square t minus 1। तो आप लाइन लिखेंगे, हैजनबर्ग अनसर्टेनिटी रिलेशन इज एप्लीकेबल टू ऑल दोज पेयर हुज प्रोडक्ट हैज डायमेंशंस ऑफ m1 l2 t minus 1। जैसे अगर आप एनर्जी को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो एनर्जी की डायमेंशंस और टाइम की डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको यही मिलेगा। आइए इसको चेक करते हैं। दिस इज एनर्जी, दिस इज टाइम, एनर्जी इंटू टाइम। तो अब हमें चेक करना है कि क्या इस प्रोडक्ट का डायमेंशन जो है वो ये निकल के आता है। एनर्जी के जो डायमेंशन होते हैं वो होते हैं m1 l2 t minus 2, और टाइम का डायमेंशन होगा t की पावर 1, तो ये हो जाएगा m1 l2 t minus 1। तो यहाँ पर इन दोनों के प्रोडक्ट की जो डायमेंशन है वो यही निकल के आ रही है। तो इस केस में भी जो प्रोडक्ट होगा अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ एनर्जी का विद अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ टाइम का, वो भी एच कट के बराबर होगा। तो एक और पेयर ऑफ कॉन्जुगेट क्वांटिटीज है जिनका प्रोडक्ट जो है इसी डायमेंशन का निकल के आता है, वो है एंगुलर मोमेंटम एंड एंगल। तो डेल्टा जे एंड डेल्टा थीटा जो है वो भी एच कट के बराबर होगा। डेल्टा जे एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, वो होता है हमारे पास जे होता है हमारे पास आर क्रॉस पी, और थीटा जो है वो डायमेंशन लेस होता है। तो यहाँ पर जो जे का डायमेंशन होगा वही इस प्रोडक्ट का डायमेंशन होगा। तो आइए चेक करते हैं, आर जो है वो डिस्टेंस है, L1 हो जाएगा इसका, पी जो है वो मोमेंटम है, मास इनटू वेलोसिटी, मास के लिए m आ जाएगा और वेलोसिटी के लिए l t minus 1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास, पी होता है हमारे पास m into v, m की जगह m आ गया, कैपिटल M, और V होता है हमारे पास वेलोसिटी होता है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस का हो गया L, और T जो है ऊपर जाके t minus 1 हो जाएगा। तो मोमेंटम का जो डायमेंशंस बनेंगे वो बनेंगे m1 l1 t minus 1, तो ये हो जाएगा m1 l2 t minus 1। तो इन दोनों के प्रोडक्ट की जो डायमेंशन आ रही है वो यही निकल के आ रही है। तो अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, प्रोडक्ट विद अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ एंगल जो होगा वो भी एच कट के बराबर होगा। तो ये भी हैजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है फॉर एनर्जी एंड टाइम। दिस इज द हैजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फॉर एंगुलर मोमेंटम एंड एंगल, और ये हमारे पास हैजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फॉर पोजीशन एंड मोमेंटम। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका आज का टॉपिक। आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर।